नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बातचीत में बताया कि सोमवार यानी आज वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार की पेशी थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। पेशी के दौरान दोषी करार होने के बाद मुख्तार अपना माथा पकड़ बैठा। टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी था। करीब 32 साल पुराने इस हत्याकांड पर आज सोमवार को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय 3 अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इस बीच वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। वैन बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस घटना को लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में मामला दर्ज कराया। अजय राय ने अपने भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। अवधेश राय हत्याकांड में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं और भीम सिंह गैंगस्टर के केस में सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। राकेश न्यायिक के इस मामले में अपना केस अलग कर ट्रायल शुरू करवाया है, जो प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस मामले में MP MLA कोर्ट वाराणसी का फैसला सोमवार को आया है। बता दें कि 32 साल पुराने वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई अवधेश राय की हत्या के पीछे चंदासी कोयला मंडी की वसूली और अवधेश राय की दबंगई हत्या का मुख्य वजह माना जा रहा है। बताया जाता है कि अवधेश राय ब्रजेश सिंह के करीबी थे और अपनी दबंग छवि के चलते चंदासी कोयला मंडी, जहां मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज चलता था, उस पर कोयला मंडी से लेकर वाराणसी के तमाम व्यापारियों और बाजारों से मुख्तार अंसारी की वसूली में अवधेश राय अड़ंगा बन गए थे। इस कोयला मंडी पर कब्जे के लिए ही मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था कि उसने मंडी कब्जाने के लिए नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुख्तार अंसारी को अवैध वसूली में अवधेश राय अपनी दबंगई के चलते वाराणसी के व्यापारियों में मुख्तार अंसारी से टक्कर लेने वाले गिने जाने लगे थे। मुख्तार अंसारी के कई करीबियों को अवधेश राय ने सरे बाजार बेइज्जत भी किया था। यही वजह थी कि 3 अगस्त 1991 को दिन दहाड़े मुख्तार अंसारी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अवधेश राय की उनके घर के सामने हत्या कर दी थी।